रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hi, why is my car blocked? सुबह सुबह इतना गुस्सा, सिस्टर रिलैक्स यार। चिल, मैंने ब्लॉक कराया। तुम सही स्टेट में नहीं हो क्योंकि तुम उनको आइलैंड खरीदना है ना। डोंट यू स्पेंड मनी ऑन रबिश। भाई इट्स माय मनी, मैं कुछ भी चाहे करूं। नहीं श्रेया, रिलैक्स। ओके, मैं तुम्हारा भाई हूं एंड आई नीड द कैपिटल फॉर समथिंग। या बट मुझसे बिना पूछे हाउ कैन यू एक्सेस माय कार्ड? वेल, तुम्हें इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए था। वेल अनफॉर्चुनेटली फॉर यू एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी, तुम्हें तो याद भी नहीं है ना उस रात तुम आई थी व्हेन यू वर सो ड्रंक। वाओ, यू डोंट इवन रिमेंबर। I hate that. Oh, bloody loser! Ask me or what stupid rover? These stupid animals! They're animals. Don't worry, animals hai. मेरे BMC में contacts हैं. इन animals को मैं cage करके ना, I'll send them to Africa. Not even Africa. They deserve to be on the road. Yes. Deport them. I will deport them. बाहर फेंक दो इनको यहाँ से. Petition sign करना है? हाँ. I'll get the petition, okay? I hate them so much. That bloody cheap Asmi. I love Rohit. There you go. देखो, अरे इधर आ. Come here, come here, come here. Look at this. I got the petition. यहाँ पे sign कर दो and I'll take them out of your life. Come. There you go. Yes. Keep going. Very good. I'm gonna chop off his everything. Yes, you are. Everything. सो जाओ. Feel that? Don't worry, तुम मेरी बेबी सिस्टर हो और टेक्निकली सब मेरा है। And amongst all three siblings, जब भगवान दिमाग दे रहा था ना, you said I'm on a diet. Listen, you're in no condition to go live in a hotel. तुम यहाँ रह सकती हो क्योंकि टेक्निकली यू आर ब्रोक, बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। मुझे अकल पे लेक्चर देने वाले पहले अपने मेंटल लिमिटेशंस पे फोकस करो आप। जो बिजनेस मेहनत से मोटा भाई ने इतने सालों से खड़ा किया ना, वो आपने दो मिनटों में अपने बिम्बो गर्लफ्रेंड्स को ज्वेलरी और गिफ्ट खरीद के उड़ा दिया। मेरा बिजनेस पता है क्यों सर्वाइव कर गया? क्योंकि उसे मोटा भाई ने संभाला, और संभाला नहीं प्रॉफिट भी दिलाया। यू आर राइट, शायद डाइट भी हूँ ये कह के मैंने ब्रेन नहीं लिया होगा, पर आपने वहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस किया। पता है क्या कहा होगा कि माई लुक्स विल सफाइस मी, राइट? आई माइट बी द डम्ब वन इन द फैमिली भाई, बट यू नो व्हाट, यू आर अ फकिंग लीच। मोटा भाई के बिना ना आप कुछ भी नहीं हो। You're incompetent. You're absolutely nothing without him. From your house. This is my house also. Legally तुम्हारा कुछ नहीं है, so fuck off and get out. Fuck you. ऋषि भाई ने बिजनेस, घर, सब कुछ अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। I don't know what to do. तुमने पेपर साइन क्यों किए? तुम सोच क्या रही थी? भाई, I was high. श्रेया, that's not done. तुमने फिर से? No. फिर से नहीं, ये पहले की बात है। Before, जब I was drunk, I don't know, पता नहीं कब उन्होंने पेपर साइन करवा लिए। श्रेया, इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना तो कानून ना मैं। यहाँ क्या कर रही हो? ऑल ओके? कुछ ठीक नहीं है गौरवी, प्लीज तुम मोटा भाई को समझाओगी? तुम्हें पता है ऋषि भाई ने मेरे साथ क्या किया है? वैसे हमने बेस्ट इवेंट मैनेजिंग कंपनी को हायर किया है, सो आई डोंट सी कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। सॉरी सर, अनुज आपसे दो मिनट बात करनी थी। एक मिनट, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। नो, इट्स अर्जेंट। इंपॉर्टेंट होगा, जाओ। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अनुज, श्रेया की कंडीशन जानते हुए भी तुमने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। वो साइन पहले के हैं अनुज, अब श्रेया एकदम क्लीन है और उस बात की मैं गारंटी लेती हूँ।
और उसे हेल्प ना करके ना तुमने वापस उसे उसी स्टेट पे जाने पे मजबूर कर दिया है। भूल गए, ऋषि ने तुमसे भी सिग्नेचर्स करवाए थे और फायर केस में फंसा दिया था, और तुम तो अपने होशो आवाज में थे। श्रेया तो फिर भी बच्ची है, और तुमसे बेटर ही कौन जान सकता है कि फैमिली से चीट होने पे कैसा लगता है। अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे ना, तो मैं करूंगी। वैसे किस हक से तुम मेरी बहन की बात कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अब तुम सब प्रोफेशनल रखना चाहती थी। लीगली अभी भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और श्रेया की सिस्टर इन लॉ, तो मुझे नहीं पता, मैं बस उसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। तबीयत तो ठीक है? It's okay, श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। पानी के भी a moment। टिश्यू ले लो। I know तुम्हें वाटरप्रूफ मस्कारा सूट नहीं करता, थोड़ा सा। श्रेया, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि एक टाइम पे हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। I know हमारी शादी वर्कआउट नहीं की, but I never wanted to see you this sad or broken. See, life में बहुत problems हैं, but I'm sure उसके solutions भी निकलेंगे। मैं बहुत बुरी हूँ ना? No, not at all. I'm sorry. It's okay, Shaya. It's not okay. तुमने तो sorry कहा ही नहीं। सिर्फ मेरी गलती थी क्या? थोड़ी गलती तो तुम्हारी भी थी। Say sorry. अच्छा ठीक है, सॉरी। हमें श्रेया से कुछ पूछताछ करनी है, उन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? मेरा उस प्रॉपर्टी में लीगली कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरे भाई ऋषि ने अपने नाम कर लिया है, सारा एसेट, सब कुछ। वो स्टेटमेंट ले रहे हैं। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें यहाँ क्यों बुलाए? देखिए, डायमंड स्मगलिंग एक बहुत बड़ा रैकेट है और श्रेया के नाम पे भी एक कंपनी है, सो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करना है कि उनकी डीलिंग्स कौन देखता है, लीड्स कहीं से भी जनरेट हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर हो गया तो प्लीज उन्हें भेज दीजिए। प्रशांत, हो गया ना? हाँ। जाने दो इनको। थैंक यू। ओके, अनिकेत तुम उन्हें लेके जाओ, मैं जरा इंस्पेक्टर साहब से बात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। म्यूजिक बंद करो। डोंट वरी एवरीवन, आई हैव दिस अंडर कंट्रोल। आए जाला मामा, दारू आए, चाय पानी आए। चला ना मामा, जाऊं दिया म्यूजिक बंद नहीं करने का बस। अरे लो ना, कभी जिंदगी में ना बोले हो, लो। तू जानता मैं कौन हूं? हाँ, ऋषि मेहता। You are under arrest. किस लिए?
राकेश के साथ डीलिंग और फ्रॉड केस में। राकेश के साथ मेरी पुरानी डीलिंग्स है, ये पुरानी बात है। उसके नए बिजनेस के साथ आई हैव नो कनेक्शन, मेरा लेना देना है ही नहीं। हम बताते हैं कैसे लेना देना है। श्रिया की कंपनी अनुज मेहता संभाल रहे थे, जो राकेश के साथ बिजनेस पार्टनर। हमें डाउट था कि श्रिया की कंपनी में डायमंड माफियों का पैसा इन्वॉल्व है, और वो कंपनी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारी जवाबदारी तो बनती है। और हाँ, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि श्रिया की कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तब तक तुम्हें राकेश के साथ जेल में रहना होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, वो कंपनी श्रेया की है। जब वो कोकेन के नशे में थी, मैंने उसका साइन लिया था और कंपनी को मेरे नाम पे किया था। एंड वो लड़की पागल है, वो सब पैसा बर्बाद कर रही थी। इफ आई न्यू कि मैं वो करता ही नहीं था। अच्छा, तो तुम मानते हो कि श्रिया ने खुद वो कंपनी तुम्हारे नाम नहीं की? इसका मतलब तुमने उसके साथ फ्रॉड किया। मिस्टर अनुज, आइए। ओ, तो ये है फ्रॉड। और ये फ्रॉड नहीं है, दिस इज चीटिंग। चीटिंग तो है, लेकिन जेल तुम जा रहे हो, और वैसे भी फायर केस में तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मोटा भाई, आप अपने भाई के साथ ये करेंगे? जी, कर रहा हूँ। जी, मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ मेरे लिए इमोशंस ही हैं, लेकिन श्रेया के साथ तुमने जो किया ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमको किसी के लिए इमोशंस ही हैं। रियली ट्रूली पैथेटिक। थैंक यू मिस्टर अनुज मेहता, आपकी लीड की हेल्प की वजह से हम सही मुजरिम तक पहुंच पाए। योर सिस्टर इज फ्री नाउ, चलिए। डोंट टच मी। थैंक यू मोटा भाई, आप अगर सपोर्ट नहीं करते, आई डोंट नो मैं कैसे सर्वाइव करती। एंड अनिकेत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव बीन सो मीन टू यू, पर तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं कल डिवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगी, बट आई हैव वन कंडीशन, यू विल ऑलवेज हैव टू बी माय फ्रेंड। ऑफ कोर्स। And good luck with Deepthi. Deepthi. Right. All the best. I'm so sorry. I'm so sorry. मैंने आपको जज किया। मिडिल क्लास लोग इतने भी बुरे नहीं होते। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से उन्हें जज नहीं करना चाहिए। सॉरी। मोटा भाई, I'll go home now, okay? Come, I'll drop you on bike for old time's sake. Done. Gauri, I'm sorry agar tumhe laga ki main Shreya ke saath thoda harsh tha. Aur tumse wo haq wali baat pooch ke main tumhe offend nahi karna cha raha tha. I'm sorry, Gauri. Baby, I'm really मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, वांदो नहीं, वांदो नहीं। था ऐसे, ऐसी हालत में हो तो मैंने मैगजीन में पढ़ा था ऐसे होता है, जीना ने बताया था। अब मैं अदरक कहाँ पे, मेरे को बोलो। अदरक? हाँ, किचन में होगी, मैं लेके आता हूँ। Can I hold on to you, Aniket? Yeah, of course you can. After all, we are friends, right? अच्छा, अगर दीप्ति ने हमें ऐसे देख लिया तो कुछ नहीं होगा श्रेया, she'll understand कि हम लोग अब अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। श्रेया, लोग देख रहे हैं। निकाल दो, निकाल दो, अंदर कुछ अंदर नहीं मिला। ठीक है, ओके। अब ठीक हो? तुम कुर्ता उतारो। तुम एक कुर्ता उतारो, मैं दूसरी लेके आती हूँ। हाँ।
अनुज ये शर्ट ले लो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अरे वो कुर्ता मुझे दे दो। इस पे उल्टी लगी है, मैं साफ कर रहा हूँ। हाँ तो मेरी उल्टी है ना, मैं धो दूंगी, दो मुझे। अच्छा एक मिनट। हाँ थैंक यू। ये लेना, बुक में लिखा है ये पी के अच्छा लगे। सो स्ट्रेंज ना, जैसे दोनों शादियां एक साथ स्टार्ट हुई थी वैसे ही एक साथ एंड भी हो रही है। चलता हूँ। एक सेकेंड, ये छाता लेडीज है पर बारिश को समझ नहीं आएगा। आप दोनों को डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मैं श्रेया की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया। आई थिंक शी डिजर्व्स बेटर। ही इज राइट। मैं कभी कभी खुद अपने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाती। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। हमारे डिफरेंसेस इतने सारे हैं, अपब्रिंगिंग, क्लास, बैकग्राउंड। कभी कभी फर्क इतना ज्यादा होना तो सही भी गलत लगने लगता है। अदरवाइज ही इज अ स्वीट हार्ट, ही इज अ क्यूटी पाई। मतलब आधी रात को भी अगर आप कॉल करो ना तो फिर इनका। अभी मैं आधी रात को कॉल नहीं करती हूँ, बट अगर आप करो तो आ जाएगा। बस हस्बैंड मटेरियल नहीं है, इसीलिए इनके सेटअप में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। आप समझ रहे हो ना, मतलब सीधा वर्साचे से स्ट्रीट शॉपिंग। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा दोनों को। आई नो, 6 months ना। इनफैक्ट माई ब्रदर इज ऑल्सो गेटिंग डिवोर्स्ड विद हिज सिस्टर। कितना टाइम हुआ है आपको? एक महीना। अब कैसा सिचुएशन है आपके बीच में, बेटर और वर्स? अनुज, वो मनित की एंगेजमेंट है ना, तुम जा रहे हो, मतलब साथ में चल सकते हैं? नहीं एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मैं वहीं से आ जाऊंगा। बताए कौन है? बॉस की बेटी। टन टन। एक तरफ बॉस की बेटी और एक तरफ बॉस के चहेते अनुज सर। कुछ तो खिचड़ी पक रही है भी? मैंने कहा था ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मतलब अनुजर को हाफ डे मिला है। उफ, पता नहीं और हाफ डे में क्या होगा। सही, लास्ट पॉइंट हम सोच रहे हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे। गौरवी जी, अनुज के साथ सब ठीक है ना? आई मीन प्रोफेशनली। जी सर, ऑल ओके। तो इसका मतलब उसने बताया नहीं तुम्हें? सब जितनी डिटेल्स देनी थी सब दे दी हैं। नहीं नहीं नहीं, आई मीन दिस टाइम पर्सनली। पर्सनली तो आज सच कुछ नहीं नहीं बताया। अरे मुझे लगा कि
अब तक उसने शेयर कर लिया होगा। हाँ वैसे भी ऐसी बातें आसानी से शेयर की नहीं जाती। जैसे सर आप क्या कह रहे हैं प्लीज बताइए, मतलब ऑल ओके। रिमेम्बर जोड़ियां ऊपर बनकर आती हैं लेकिन हम लोग नीचे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और गलत जोड़ियां बन जाती हैं। जैसे डजंट मैटर, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स की वजह से अन्वेषा थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई थी, फिर मैंने उसे समझाया डाइवोर्स आज नहीं तो कल हो ही जाना है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ अनुज भी यही सोचता है, तो क्यों ना सही जोड़ी बना दी जाए। अन्वेषा में ड्रॉप इन टू सी यू है वो वर्णिता। चाहे कितनी दूरियां होंगी दरमियां, सुन रहा फिर भी दिल दिल की ये दास्तां। चाहे मुश्किल से भरी हो प्यार की राहें, वो लम्हे और यादें दिल से ना हेलो स्नेहा, मैं एक्चुअली ना घर जा रही हूँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ ओके। हे गौरवी, कैन आई टेक सम ऑफ योर टाइम? या एक्चुअली डैड से बात हुई मेरी एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो अबाउट मी एंड अनुज। बाहर चल के बात करें, लेट्स गो। बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, कितना भोला सा ये प्यार। ओके पापा ने बताया ना अनुज के डिसीजन के बारे में। सी इट्स यू जिनसे अनुज की शादी हुई थी। सी इट रियली डजंट मैटर नाउ, मतलब आई नो कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए रेडी है। बेसिकली मुझे कुछ चीजें पूछनी थी। सी इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी आल्सो, मैं श्योर होना चाहती थी। आफ्टर ऑल इवन आई हैव अ चाइल्ड इन्वॉल्व। उन्हें बच्चे बहुत पसंद है, ही लव्स किड्स। पता है इंसान बहुत अच्छे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी ना तो मुझे लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है। Such a simple man. और जिस अनुज को मैं जानती थी वो तो छोटी छोटी चीजों में खुश थे, satisfied थे। बारिश, वड़ा पाव, गरम चाय, मूंगफली, अच्छी कंपनी और ढेर सारी बातें, एंड ऑफ कोर्स पुराने हिंदी गाने। कभी कभी तो गाया भी करते थे, लिरिक्स कुछ भलता ही होते थे लेकिन इतना मन से गाते थे ना कि उन्हें रोकने का मन ही नहीं होता था। दमशराज खेलना भी बहुत पसंद है उन्हें, पुरानी हिंदी फिल्म्स
He knows them all. In fact, he always used to win. बस एक बार मैंने हराया था तो उनकी शक्ल ही देखने वाली थी. वो क्लास में बच्चा नहीं होता है जो हर बार फर्स्ट आता है लेकिन इस बार नहीं आया है. इस बार कोई और बच्चा फर्स्ट आ गया तो उसका फेस कैसा हो जाता है? बिल्कुल वैसे ही. गुस्से में भी बहुत क्यूट लगते थे. इमेजिन, कोई सोचेगा कि अनुज मेहता, इतनी बड़ी डायमंड कंपनी का ओनर, एक्चुअल में ऐसे बच्चे जैसा होगा. लेकिन उनके अंदर का बच्चा ना बहुत इमोशनल भी था. छोटी छोटी बात उनको लग जाती थी. मन साफ था ना तो कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उन्हें समझ में ही नहीं आता था. अपनी नहीं, मेरी फैमिली को भी इतना प्यार करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं. लेकिन अगर उनके अपनों को कोई हर्ट कर देना तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के. हेलो. हेलो अनुज, कहाँ हैं आप? ये मनित की एंगेजमेंट है ना, वही हूँ. मुझे आपसे बात करनी है. हाँ तो थोड़ी देर में आता हूँ. नहीं, मैं वहीं आ रही हूँ. लेकिन I've always been like that. याद है शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करना और मुझे कोई कैबिन ये पिकअप ड्रॉप नहीं चाहिए और मैं भी तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट करूंगी. मुझे वो पुरानी वाली गौरवी की तरह रहना था और तुम्हें पुराने वाले अनुज की तरह देख रहा था जिससे मैंने शादी की थी. और जैसे ही तुम्हें वो पुरानी वाली झलक नजर आने लगी, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया शादी का,
मतलब मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा ना समझने में। मैंने कब कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? तो शादी अपने आप हो रही है क्या? मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक रखी हो। गौरी तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? तुम ऐसी शादी कैसे कर सकते हो अनुज? किससे कहा मैं शादी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ मैं शादी। मैं आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। नहीं, तुम्हारे जाने से क्या होता है? ये हम दोनों की जिंदगी। क्या कहा तुमने कि तुम शादी नहीं कर रहे हो? लेकिन वो जीतू सर तो कह रहे थे कि तुम क्या कह रहे थे? यही ना कि उनकी बेटी दूसरी शादी करने को तैयार है। नहीं, वो कह रहे थे कि उन्होंने तुमसे बात की है। तो क्या मेरे सामने जीतू भाई बात नहीं करेंगे? हाँ, अपने मुंह पे टेप लगा के रखेंगे। नहीं, उन्होंने तुमसे शादी की बात की अन्वेषा से। अन्वेषा से नहीं, अन्वेषा की शादी की बात। तुमने ये सारे डॉट्स खुद से जोड़ लिए, पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा किसी से प्यार करता है ना, तो उसे खोने के डर में वो अपनी सूझबूझ, समझदारी सब खो बैठता है। और एक अच्छा खासा बंदा भी बेवकूफ बन जाता है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मजाक है क्या? इज इट अ प्रैंक? लव स्टोरी जब इतनी सीरियस हो जाए तो थोड़ी सी बदमाशी तो बनती है ना। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैं बताता हूं। मेरी बेटी अन्वेषा ने एक बार अपनी जोड़ी बनाने में गलती कर दी थी और उसने मान लिया था कि जोड़ी बनाना उसके बस की बात नहीं। इसका दोस्त इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अन्वेषा शादी के लिए तैयारी नहीं हो रही थी। ऐसे में मैंने अनुज को कहा कि वो अन्वेषा को कन्विंस करें। देख अनुज, अन्वेषा मेरी बेटी है और मैं हमेशा उसको भला ही चाहूंगा। तू जाकर उससे बात कर, मेरी गट फीलिंग कहती है सब अच्छा होगा। अरे इस गट फीलिंग पे तो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है कि अपनी बेटी का घर नहीं बसा सकता। जाकर उससे बात कर, वो जरूर मान जाएगी। अन्वेषा को अनुज ने कन्विंस तो कर दिया, लेकिन एक जोड़ी और जोड़नी बाकी थी, तुम्हारी और अनुज की। ये आज भी इतना टेढ़ा नहीं जितना तुम समझती हो। इसीलिए मेरे थोड़े से टेढ़े प्लान के लिए कन्विंस ही नहीं हो रहा था। मैं इतना चाहता था कि तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई ना बताई जाए, थोड़ी सी छुपाई जाए। सॉरी, पुरानी स्टाइल का डायलॉग है, लेकिन इस सिचुएशन में फिट बैठता है। इश्क की आग लगानी हो तो थोड़ी जलन की चिंगारी लगानी जरूरी है। सॉरी गौरवी, जो बातें सीधे से प्रेजेंट की जा सकती थी उन्हें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। एक तुम दोनों ही हो जो समझ नहीं पाए दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन मैं समझ चुका था और तुम दोनों को एक बनाने में मैंने अपनी बेटी अन्वेषा को इस प्लान में शामिल किया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो लेट्स डू फॉर द लव। तुम अपने फ्लोरिडा वाले फ्रेंड से शादी कर रही हो, लेकिन गौरवी को ये नहीं पता है, तो मैं उसे ये यकीन दिलाऊंगा कि अनुज तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। डैड, नो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे झूठ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बस इन बातों को थोड़ा घुमा फिरा के। गौरवी, तुमने अनुज के बारे में जब बात की ना, देन आई वाज स्पीचलेस एंड आई वाज, ट्रस्ट मी, लुकिंग एट योर फेस। आई मीन, अनुज को मैं 20 साल से जानती हूँ, बट तुम हो कि उसकी बुराई करने की वजह तारीफें करने लगी। आई मीन, हैट्स ऑफ टू दिस लव। हाँ, मगर फिर तुमने मुझसे अनुज के बारे में क्यों पूछा? वो एक्चुअली डैड ने मुझे कहा कि तुम्हें अनुज के बारे में पूछूं और रिकॉर्ड कर लूं। व्हाट? इवन डैड ने मुझे यही कहा कि मैं रिकॉर्ड डिलीट कर सकती हूँ। एंड जब
तुम्हारी रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने सुनी ना तुम्हारी बातें, मुझे मन ही नहीं हुआ कि डिलीट करूं। और ये बातें ना सबको डेफिनेटली सुननी चाहिए। उससे मैं भी इतने क्यूट लगते थे ना, और लूडो में भी उनका रिकॉर्ड था जो कि मैंने ही तोड़ा था। हाँ, लेकिन कैरम में बहुत चीटिंग करते थे। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, कभी धूप ही धूप तो कभी छाव ही छाव, कई मौसम आए गए पर एक ही मौसम याद रहा मुझे, वो है बारिश का। वो बारिश जिसने तुम्हें और मुझे मिलाया। छतरी तो मैंने तुम्हें दी थी, पर जिंदगी के बदलते मौसम की बुरी बारिश के सामने कब तुम मेरी छतरी बन गई मुझे पता ही नहीं लगा। और फिर मेरे भीगने का डर खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे साथ। लेकिन फिर मैं एक नई दुनिया का दरवाजा खोल के उसके अंदर घुसी। ये चोर दरवाजा था, वो छोटा दरवाजा होता है ना, तो मेरी छतरी बाहर ही अटक गई। इस दुनिया में बहुत घुटन थी और मुझे तो बारिश की आदत हो गई थी। तब मुझे समझ आया कि बारिश, छतरी और मेरी गौरवी मेरे लिए कितने कीमती है। गौरवी, तुम्हारे बिना सब अधूरा सा है। जिंदगी ने मुझे सबक सिखा दिया, खुशियां पैसों से नहीं आती, अपनों से, अपनी छोटी छोटी खुशियां अपने दर्द बांटने से आती है। अगर जिंदगी मुझे एक और मौका दे ना तो मैं बहुत कुछ बदलूंगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही वड़ा पाव खाऊंगा। मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया, तीखे का तड़का मजेदार लगेगा। ए, ए, क्या तुम वड़ा पाव खाने जा रही हो? हाँ, तो क्या, पहले नहीं खाने दिया था तो अभी भी खाने नहीं दूंगा? आपको याद है इतनी उम्र नहीं हुई कि मुझे अमनीजिया हो जाए, मुझे सब कुछ याद है। मुझे ये भी याद है कि मैंने ये कहा था कि मैं वही खाऊंगा जो तुम्हें खाने दूंगा। तो फिर जब हम दोनों को सब कुछ याद था तो इतनी दूरियां क्यों आई हमारे बीच? एक लाइन बोलू, थोड़ी फिल्मी है। बोलो। प्रेम कहानी वो बड़ी बनती है जिसमें आने वाली मुश्किलें बड़ी बड़ी हों। कहा था फिल्मी है। अनुज, आप मेरे मन मंदिर में समाते हैं, साया बनके हमेशा मेरे साथ रहना। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये आखिरी सांस वाली लाइन नहीं चाहिए, कोई और बोलो। आई लव यू। नहीं, ये उतनी फिल्मी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दिल से आई है। कैसी साजिश कर रही है।